जिला प्रशासन गांदरबल द्वारा दिनांक 23/11/2022 को किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केंद्र गांदरबल में प्रधानमंत्री द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की औपचारिकता के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला संचालक समिति के सदस्यों के अलावा बैंक के अधिकारियों के अलावा कृषि, बागवानी, NRLM, पशु भेड़ पालन और मत्स्य विभाग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर की शुरुआत प्रतिभागियों के स्वागत नोट के साथ हुई। जिला नोडल अधिकारी PMFME डॉक्टर सलमान रऊफ चालकों के दर्शकों को योजना, इसके दायरे और लाभों के बारे में जानकारी दी। दर्शकों को जिला गांदरबल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के दायरे के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें योजना के तहत वित्तीय कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे संचालन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया और लगभग 3 इच्छुक प्रतिभागियों को PMFME योजना के तहत कवर किया गया। मुख्य बागवानी अधिकारी गांदरबल ने दर्शकों को ODOP अखरोट, इसके दायरे में और क्षमता के बारे में जानकारी दी। प्रतिभागियों को जिले में अखरोट व्यापार के विस्तार के दायरे में परिचित कराया गया। प्रतिभागियों के साथ संवाद सत्र के लिए बैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने बैंकों में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं चांथन से आई हूँ, चांथन लार से। मेरा नाम ताहिरा रहमान है। जी, हम RDD सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और आज हमें यहाँ पे मतलब अवेयरनेस कैंप इन्होंने दिया हुआ था एग्रीकल्चर से, तो इसमें हमें बहुत सारी मतलब जानकारी मिली है। सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रोडक्ट हमारे वेस्ट हो जाते हैं, तो उनको इन्होंने बताया कि किस तरह से आप पैकेज उनकी क्या कैसे करोगे, कैसे मतलब उनको पैक करके रखोगे, वो सारी अवेयरनेस इन्होंने आज हमें यहाँ पर दी। तो हमारे वहाँ से जैसा कि लार एरिया है, वहाँ पे ग्रेप्स हैं या वालनट है, वालनट ऑलरेडी वहाँ से प्रोसेसिंग कर रहे थे, लेकिन अक्सर ये होता है कि मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब वेस्ट हो जाती हैं। वो भी इन्होंने बताया, उनकी मशीनरी के बारे में बोला कि उनके लिए हम कितना मतलब लोन देंगे, उसमें सब्सिडी कितनी है, वो सारी मतलब अवेयरनेस हमें यहाँ से मिली है। तो वो जानकारी जाकर हमें आगे मतलब देनी है, अपने जो SHG मेम्बर्स हैं उनको देनी है। हमें यहाँ पर मतलब स्पेशली मतलब उन्होंने भेजा हुआ था, तो काफ़ी जानकारी हमें यहाँ से मिली हुई है। बाकी सब्जियाँ हैं जो ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं, या ड्राई सब्जियाँ हैं उनको किस तरह से हम रखेंगे, या बाकी फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मतलब इन्होंने बात उठाई कि जो प्रोडक्ट जहाँ के जैसे प्रोडक्ट, जैसे कि मतलब वहाँ से हमारे साइड से जहाँ पे मैं रहती हूँ लार में, लार चांथन से, वहाँ पे मतलब ये अगर अवेयरनेस कैंप होंगे वहाँ पे जानकारी देंगे वालनट की, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज से लोग आए थे, कोई मतलब वालनट का काम करेगा कोई नहीं करेगा, या मैं हूँ मतलब मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं उतनी उस बारे में मतलब इतना नहीं समझ पाऊँगी जो इसके साथ करते होंगे। अगर ये लोग जाकर वहाँ पे मतलब उन लोगों को अवेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको मतलब मुझसे बेहतर समझ आएगी, या वो फ़ायदा उठा सकेंगे, या जितनी स्कीम्स ये बता रहे हैं या जितनी मशीनरी ये दे रहे हैं, हो सकता है वो उनसे फ़ायदा उठा सके। इनको चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि ये मतलब फॉल एरिया में जाए और वहाँ पर उनको अवेयर करें। जी, आज का प्रोग्राम, ये सेकंड वर्कशॉप हमने कंडक्ट किया है ऑन प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। जैसे आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वाइज कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज को बोला है। इसके तहत हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी अटेंड ये ऑर्गेनाइज किया, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। इसमें हम जो भी छोटे मोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको हम फॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं और उन्हें इस स्कीम के मुतालिक जानकारी देते हैं। जी, आज का जो प्रोग्राम था ये हमने ब्लॉक लार के लिए किया था। इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ बेनिफिशरीज आए हुए थे, एग्रीकल्चर साइड से कुछ आए हुए थे, कुछ जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं जो उससे के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आए हुए थे। तो लोगों का फार्मरों का रिस्पॉन्ड कैसा रहा? जी, बहुत। आज हमने एक्चुअली एक खास बात ये की कि हमने एक इंटरेक्टिव सेशन किया जिसमें हमने बैंक के मैनेजर्स को लाया, और नॉर्मली जो बेनिफिशरी बैंक में जाके दिक्कत महसूस करते हैं तो उसका अजाला करने के लिए हमने बैंक मैनेजर्स को बुलाया, जहां पर वो बैंक ऑफिशियल्स के साथ बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। चलो, थैंक यू। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद।